पूरी ये सारे सब अखरोट के पेड़ है ना। ओ भाई गजब। आलू के पकोड़े ले लो। सब इक्वल इक्वल 200 ml बना है ठीक है। हाँ ज्यादा मत दे देना। खाने मिलते है क्या जिसको खाने से नशा होता है? आ, वही है ये वही है। आ, सही में आ, क्या बात कर रहे हो। दे दो। कबर का फल मीठा होता है लेकिन तुम्हारा कड़वा होगा। ये लो जैसे खाया ना 5 सेकंड के लिए मुझे कुछ निकला नहीं सब उसी का मतलब का ले रहे हो उसी में खो गए उसमें खो गए। थैंक यू राजीव भाई। थैंक यू सो मच बिरयानी के लिए। इस साइड में जाना है करीब नहीं हम लोग यहाँ पे पहुँच गए करीब करीब में हमको ऐसे जाना है वहाँ पे नीचे। चल चलते चल चला चल। यहाँ पे कोई प्रॉपर है नहीं ठीक है बना के चलना पड़ता है यहाँ पे पड़ोगे पढ़ना पड़ेगा ऐसी पूरी ये सारे सब अखरोट के पेड़ है ना। लगाएंगे कहाँ कहाँ पे? एक वहाँ पे लगा लेंगे इधर एक लग जाएगा। पूरा एरिया क्लीन करना पड़ेगा। प्लेन भी करना पड़ेगा बस क्लीन करने से नहीं होगा। बहुत काम है भाई। कैसी लग जाओ शुरू हो जाओ। क्लीन करना पड़ेगा जितने पत्थर है ना वो सब हटाने पड़ेंगे यहाँ से और जितने भी ये लकड़ियाँ हैं ना ये सब हटानी पड़ेगी। ये पत्थर भी हटा दे क्या? हाँ ये भी हटा देते हैं ना। इसको निकालने की जरूरत है नहीं कोई काम है नहीं। ये पीछे से टिंकू भाई को देना पानी की बोतल खा रहे थे। ये बीटल बड़ा मस्त दिख रहा है नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का पूरा क्लीनिंग हो गया सब मिल चुकी है।
रितेश भाई सबसे ज्यादा काम किए, इसलिए थक्के बैठे हैं। और लोकेश भाई पत्थर को थोड़ा साइड कर दिया ना, वो वाला पीछे वाला ज्यादा जगह बन गया, बड़ा वाला पत्थर। हाँ अभी इसको भी हटाता हूँ, इस वाले को थोड़ा और कर लूँ, पीछे ठीक है। तो चलो अभी जल्दी से टेंट लगा लेते हैं। देखिए आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा जो ये 3% टेंट है यहाँ पे बीच में लगेगा, यहाँ पे हम लोग सोने वाले 3% में चार जन, और इस साइड में लगेगा 2% लोकेश भाई का, तो वहाँ पे सोएंगे दो जन, बस हो गया। और बाकी जो एक रेस्ट टेंट रहेगा उसमें सारा सामान रहेगा, ठीक है। तो जल्दी चलो टेंट पिच कर लेते सब लोग। ₹10 का तुर तुर है। ये थोड़ा जो है सब दरबार है तू विदा दी। तो गाइस देखिए हमारा यहाँ पे टेंट तो सारा सेट हो गए हैं, यहाँ पे बीच में है मेरा टेंट, ये रहा लोकेश भाई का और ये रहा तेजू भाई का टेंट। तेजू भाई का टेंट है ना पूरा, मतलब क्या है खुल जा सिम सिम, बस वही है दबा मूवी का वो घर जैसा टेंट है तेजू भाई का, कहीं पे आ जाता है। तो चलो अभी फिलहाल सारा सामान अंदर रखते हैं, पूरा एरिया को सेट करते हैं, उसके बाद जाएंगे पानी लकड़ी वकड़ी सारा इकट्ठा करने, है ना तेजू भाई। तो चलो अभी भाई लोकेश भाई तो सेट कर लिए अपना टेंट बढ़िया से, हम भी ये हम बाकी चार के लिए सेट कर लेते हैं पूरा। बस हमारा बेड भी रेडी है, चलो स्लीपिंग बैग भी रख देते बढ़िया से, वो साइड में बस पूरा सेट है। अभी सब कुछ सेट हो चुका है और हम लोग आराम से यहाँ पे 2-4-5 मिनट से बैठे हैं, सब अपना अपना कैमरा वगैरह सेट कर लिए। तो अभी बात यह है कि दो काम बाकी है, सबसे इम्पोर्टेंट दो काम, ये कि लकड़ी इकट्ठा करना और दूसरा है पानी। यहाँ से पानी कोई एक जन लेके भर के आ जाएगा, उसके बाद वो भी आ जाएगा लकड़ी इकट्ठा करने, ठीक है। तो चलो लेट नहीं करते, अभी टाइम हुआ है करीब 2 बज गए हैं, लकड़ी इकट्ठा करके फिर हम लोग को स्नैक्स भी बनाना है। बिल्कुल भूख लगी है तो चलो चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं पानी भरने, ना चलिए लकड़ी ये रहा बहुत सारा। आज भी बहुत टाइम से लगी थी पानी, तो गाइस इन लोगों को तो उतना मोदी कहनी ये बोलने बिना फुलाने के पैसे, ये मैं बता दूं। ओ भाई गजब, लकड़ी इसके पास में है, पानी देखो पानी भी यहाँ पे है और टेंट का भी होता है यहाँ पे फिर से पानी। ऐसे तोला जाएगा ऐसा तो नहीं हुआ ग्रुप कैंपिंग में, तो ऐसा हो सकता था कि दूर भी हुआ चलेगा, लेकिन सुनो ये देखो लकड़ी बढ़िया सा लकड़ी सूखी हुई पूरी सारी लकड़ी, चलो इसे भी ले लेते हैं ना।
लोकेश भाई का ही तो भाई आज आज मैं नहीं उठा रहा लकड़ियाँ ये लकड़ी चलो सर लकड़ी तो अभी इकट्ठा हो गया है नहीं तो चूल्हा बना लेते हैं समझ रहे हो लोकेश भाई चूल्हा बना लेते हैं पत्थर बहुत है मैं निकला लोकेश भाई बदला लूं बदला लूं मैंने बदला कर दिया लेना है तो ले लो ये भारी बदला हो जाएगा फिर अब उनको भी लेना है क्या बात के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ये है डब्ल्यू डब्ल्यू यही है खोदो इसको खोदो डब्ल्यू क्या डब्ल्यू क्या है उल्टा एम एम क्या होता है बाबू भाई अभी मिलेगा अब पैसा पैसा खोदो खोदो दस कलोल दस तलोल तो चलो गाइस अभी सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है चूल्हा भी बढ़िया बन चुका है अभी बस काम है कि यहाँ पे पहले मैट बिछा देते हैं ना जैसे हाँ बिछा दीजिए मैट यहाँ पे मैट बिछा देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बनेगी हमारी चाय 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 जब तक बन रही होगी तब तक यहाँ पे मैं क्या करूँगा पकौड़े बनने वाले आज उसके लिए सारा प्रिपरेशन रेडी कर दूंगा कटिंग वटिंग वगैरह मिक्सिंग जो भी है सारा वगैरह करता रहूंगा इधर और सामने चाय कौन बनाएगा तेजस भाई चाय के लिए हम फेमस तेजस भाई के हाथ का चाय जो गजब लगी थी ना स्नो कैंपिंग में भाई साहब आप लोग तो देखे ही हो मस्त पकौड़े में बनाओ स्नो कैंपिंग बनाओगे मतलब फुल मतलब फ्राई करना है या पूरा पूरा सब पूरा प्रोसेस तुम बना लोगे वरना अरे नहीं बनाओ आप मैंने ना आप बस बेसन वगैरह है ना सब कुछ है बस तो पकोड़े बना रहे लोकेश भाई चाय बना रहे तेजस भाई और हम कर रहे हैं एंजॉय चलो कौन की इससे बढ़िया आग लगती है ना ए सॉरी कौन बोल रहा हूं ये पाइन के जोल जा जोल जा यहाँ दिखाओ मुझे दिखाओ हाँ बस करेंगे पकौड़े बनाने के लिए प्रिपरेशन और वो करेंगे हमारे लोकेश लोकेश ये लो अपना काम स्टेप वन हो चुका है क्या क्या चाहिए आलू आलू अरे आलू ला रे ये चीनी आपका और चाय पत्ती हम तो कॉफी मंगाए थे चीनी आ गई क्या फिर से प्लान चेंज चाय बनने वाले की कॉफी लाए तेज भाई आपका चाय आधा बना रहा हूँ मैं यार ये चिली पाउडर तेज भाई को इतनी तेज भूख लगी है चीनी चीनी खा रहे हैं कुछ वक्त और मैं क्या हमें चॉकलेट लिखी था क्या चलाएगी नहीं क्या पता था भूख लगी क्या पता था पता ही नहीं था भूख लगेगी इनमें पकौड़े भाई तेल डाल दूँ हाँ डालो तेल बस बन रही है नहीं बना कौन रहा है देखना पड़ेगा ना लोकेश भाई ये गलत बात हम क्यों लाए पलट 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 रुको रुको ऐसे भाई ये चिल्ले मेरा गजब की कैंपिंग कैंपिंग मजा आ रहा है आज ऐसे मान लो पूरा मान लो
क्रिस्पी आलू के पकौड़े ले लो। ये डल रही है चाट मसाला और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में इक्वल सब इक्वल इक्वल 200 ml बना है ठीक है। हाँ ज्यादा मत दे देना कोई हाफ मीटर मत चेक कर लेना। तो चलो बढ़िया सा हमारा पकोड़े और चाय रेडी है। पकोड़े में थोड़ा और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा डल रहा है उनका जो कि है स्कैलियन। स्कैलियन के भी पकोड़े बन गए नहीं बिल्कुल ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गया था। आने से पहले चलो इस वीडियो को शुरू करते बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक जबरदस्त ग्रुप कैंपिंग में वो भी उत्तराखंड के इन पहाड़ियों के बीच में। किन किन के साथ भाई आप लोग तो पहले से जानते हो तेजस भाई को और ये है लोकेश भाई। लोकेश भाई नाम से हाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो ट्रिप सेंस बहुत जन आप लोग बहुत जन इनको जानते होंगे इनका वीडियो देखते होंगे। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। अगर इनका वीडियो देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो भाई बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। बाकी आज का वो कैसा लगा आपको स्नैक्स? ये भाई अब तक तो वेट मतलब ट्राई करना बाकी देखने में जबरदस्त लग रहा है पूरा क्रिस्पी बने। अब तेजस भाई करेंगे सबसे पहले चलो ट्राई करो। मुझसे तो रहा भी नहीं जाता। रहो चलो चलो सबसे पहले मैं चलो लो ना पकड़ो यार चलो चलो तेज भाई शर्मा का है रहे हो क्रिस्पी बहुत बढ़िया हाय हाय मस्त बना है मजा आ गया मजा आ गया इतना तेज भूख लगे थे भाई सब चारों बैठ गए इधर। अरे भाई तुषार तुम भी आ जाओ स्कैलियन का देखते हैं ना वो खाग में क्या गजब लग रही है वाली चीज। ये पत्ते अजीब मतलब बढ़िया हो रहे हैं ना क्रंची पत्ते क्रंची हो रहे हैं क्या बात क्या बात जिंदाबाद मसाला सही बनाया ना मस्त बना है मस्त लग रहा है। सो गाइज यहाँ पे हम लोग का पूरा खाना पीना सारा कंप्लीट हो चुका है। तो बस अभी हम लोग थोड़ा बहुत डिसाइड किए कि यहाँ पे जितना भी सारा बर्तन वगैरह थे सारा को क्लीन करना है और वहाँ पे तेजस भाई और टिंकू मस्ती कर रहे हैं मस्ती कर रहे जाओ तुम भी थोड़ा मस्ती करो क्या इस मस्ती का मजा बराबर काम कर रहे भाव अच्छे से ताजी दो लोकेश भाई वहाँ पे शॉट ले रहे हैं बढ़िया हम यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं बढ़िया बर्तन धो रहे हैं बढ़िया शॉट ले हैं तो बढ़िया बर्तन धोते नॉर्मल नहीं। और ये भाई हमारे क्या करे पानी के अंदर घुस के मछली खो गया मतलब अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं ना ये जो पीछे वाटर स्ट्रीम देख रहे हो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके आते हैं क्योंकि बैठे बैठे क्या करें क्या नहीं सोचे बड़ा मन कर रहा है वाटर स्ट्रीम को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना क्योंकि कल तो भाई इसी वाटर स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा फिशिंग होने वाली है भाई गजब बहुत पकड़ेंगे बड़े बड़े साइज़ की मछली है। और हमारे जो टेंट है उसको देखने के लिए चंदू भाई वहाँ पर बैठे हैं बढ़िया से यहाँ पे गर्मी के टाइम में यहाँ का एनवायरनमेंट इतना हरा भरा है इतना ज़बरदस्त तो बारिश के टाइम में यहाँ पे कितना मस्त होगा। अरे भाई बहुत सारा है कल तो मज़ा आ जाएगा बहुत बड़ा बड़ा है देखो कितना बड़ा सा इसका है पत्थर के नीचे सब चले गए अभी देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा मछली है ये तो तेज भाई चुप करने के लिए बोले हैं यहाँ पे कुछ है पता नहीं बड़ा मछली है बोल रहे थे ये गड्ढा भी तो बहुत बड़ा है मतलब कितने बड़े होंगे कितने बड़े मान के चलो हाथ से दिखा दो कितने मोटे भाई साहब ये तो होना चाहिए मेरे को लग रहा है। हाँ वहाँ पे तो उसी साइज का है लेकिन तुषार नीचे से ही जा रहा है बोले मेरे से ना हो पाएगा तो
बहुत बहुत सारा बड़े बड़े साइज की मछली उस कोने से देखो घूम रहे हैं। इसका भाई सही में पानी के अंदर है बोल के समझ में नहीं आ रहा अच्छा खासा साइज का है, अच्छा खासा बड़ा है। देखो 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 कितना बड़ा है, देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं नहीं पता। अब तुम दिखाऊंगा सेहत के, देखो कितने बड़े हुए हैं, देखो अबे। अरे हाँ वो रहा एक है इसके बगल में, एक और भाई अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है वो रहा आपको शायद। वाह बराबर यहाँ पे वो वाला हनी मिलता है क्या जिसको खाने से नशा होता है? हाँ वही है, ये वही है सही में। हाँ, हाँ। क्या बात कर रहे हो, नेपाल में इसका मतलब बहुत ही भयानक ये होता है। वही है ये, वही है नशा होता है इससे। हाँ। भाई साहब अगर, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि वहाँ से ऊपर से पूरा झूल के आके फिर उसको करना रस्सी। अरे भागो 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 तुमने, अरे भाई भागो तेरे भाई का जंप फेल हो गया, तुम तो रुक गए। जब कभी भालू ऐसे पीछे पड़ जाए ना भागो भागो रुको नहीं। बिचा परफ्यूम लगा के मूड बना के ताजा ताजा अज्जा। ओके गाइस चलो, समझ नहीं आती ये भाई वाला बीप बीप डलेगी। सो गाइस अभी काम पे आते हैं, काम हालांकि अभी ऐसा है कि आज रात को बनने वाली है गाइस। बने रहेंगे, मैं आ रहा हूँ। नहीं बने रहे, अभी बताना पड़ेगा। आज रात को बनने वाली है चिकन बिरयानी। भाई बहुत दिन नहीं खाए हैं। वाव, बहुत दिन बाद ग्रुप कैंपिंग हो रही है वो भी उत्तराखंड में। भाई बिरयानी तो बनती है ना? बिल्कुल बनती है भाई। खाए थे अंडा बिरयानी भाई, तुम उसका बात मत बोलो। ये जिस चीज की बात कर रहा है ना भाई, वो है हमारा ब्लॉग चैनल की बात, जो ट्रेन में आते वक्त जो बिरयानी खाए थे। अगर आप लोग को पता नहीं है सारा चीज क्या है, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का दे दे रहा हूँ, मेरा जाके देखो, लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके देखो भाई, मस्त मस्त उत्तराखंड का पूरा जर्नी है ब्लॉग में, सब्सक्राइब करो देखो जल्दी। तो चलो आते हैं पॉइंट पे, तो आते हैं पॉइंट पे, अभी बनने वाली है बिरयानी। तो अभी करते हैं, मैं करूँगा चिकन मैरिनेट, ठीक है ना। लोकेश भाई वहाँ पे करेंगे चॉपिंग, चॉपिंग ऑनियन कट करने के, बिरयानी में बहुत ज़्यादा ऑनियन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो चलो अभी मैरिनेट करते हैं चिकन। चिकन जो है घर से थोड़ा हल्दी डाल के लाया गया है ताकि बढ़िया रहे, मार्केट से लॉन्ग टाइम चले, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चले। हाँ बस एग्जैक्टली, लॉन्ग टाइम चलने के लिए। लोकेश भाई अब पुदीना पत्ता कट कर दो, ठीक है। छोटा करूँ? हाँ छोटा, जितना बारीक कर सकते हो सही है, हाथ बचा के, ठीक है ना। अब तो बच जाएगा। चलो ये डालो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और भाई अभी डालते हैं बिरयानी मसाला, नमक, रोजमेरी, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिरयानी का दही, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ दही। अब पुदीना पत्ता लाओ, और ये है दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ बिरयानी का, पुदीना पत्ता। और इसके साथ एक चीज़ थोड़ा भूल गया था डालना, जीफर मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला। अभी तो पूरा हाथ बचा के चल रहा है यार, माँ की आँख। वो ऐसा आया ना, और पता है एक साथ दो छिला, ये देखो। मैरिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, लाइट वाइट लगा के करा, मेरा थोड़ा बहुत हो रहा है। चलो लाइट वाइट वगैरह लग गई है, अबे काम करते हैं ना तेज भाई, कार्स मज़ा आएगा, कार्स खेलते हैं मज़ा आएगा। लेकिन लोकेश भाई शायद हमारा नहीं खेलेंगे, ऑनियन फ्राई कर लो। हाँ तो लोकेश भाई आप ऑनियन फ्राई करो, ओके सर। हम लोग बढ़िया से बैठ के
कार्ड्स खेलते हैं, पोकम पकाई खेलते हैं, पोकम पकाई। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना, बहुत जनों का मिसकॉन्सेप्शन है कार्ड्स खेलना मतलब जुआ है। देखिए भाई, हम लोग इसको मतलब ऐसे ही फ्रेंडली मैच है, कोई जो तीन पत्ती वगैरह वो सब नहीं आता है, ठीक है ना। कॉल ब्रेक खेलेंगे, इसमें कोई पैसा का कोई लेन देन है नहीं, बस मस्ती के लिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग खेलते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ऐसा मत सोचना कि ये लोग जुआरी है कि जुआ खेलते हैं। चलो आ जाओ, मज़ा अल्टीमेट आ गया सही में। हाँ हाँ, तो तभी तो बुला रहा हूँ मैं, ध्यान ही नहीं है यार। तुम्हारी बात देख के मान नहीं करे बाबा, मारो दे, सोचने का नहीं है। लोकेश भाई, पूरा ब्राउन करके फ्राई करना है ना। हाँ, मैं समझ गया। ये लो कड़क। तो भाई भाई साहब रुको, हम तेजुभाई मारो, तेजुभाई ये रहा पुन। अरे ये टिंकू इतना का है, पता चल जाएगा। ये फिक्सिंग कौन कर रहा है? कार्ड फिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। अबू 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 कबू, पहले पहले भी अच्छा वाला गा रहे हैं। अरे नहीं भाई, गाना गा रहे हो, गाना गाना भी दिक्कत है। खुशी खुशी में गाना गा रहे हो। पहाड़ी गाना, पहाड़ी गाना सिखा रहे हैं हम। ये क्या डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की क्या आगे, बादलों की बारिश में। नहीं यार, बुला दिया तुमने। इसके अंदर डाल देते हैं फ्राइड ऑनियन, जो लोकेश भाई ने फ्राई करके रखे थे। अभी देखना पूरा बिरयानी का खुशबू आ जाएगा। और वो जो ऑयल था जिसमें फ्राई किया गया था ऑनियन को, वो लाओ लाओ भाई। हाथ डाला, गर्म है तेल। हाँ गर्म है। आई जबरदस्त शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे इसे, हम अभी ऐसे ही रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। और उसके साथ साथ चावल भिगो के रखना है, वो बहुत ही ठीक है। तो इसमें चावल भिगो लेते हैं हम। पूरा डाल दो चावल, पूरा डाल दो। तो गाइस, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है और जो चावल भीग रहे हैं, तब तक हम कुछ एंजॉय करते हैं। तो नाच होगा, गाना होगा और जश्न 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 शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई। गजब लग रहा है इतना ठंडा मौसम में, बॉन फायर और भाई म्यूजिक। लोकेश भाई आप तो कमाल कर दिए। हम नहीं जोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चांद सा रोशन चेहरा, ये धूप का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी, इसने मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आपको हमारी कसम लौट आइए। अरे पहाड़ी गाना हो जाएगा, पहाड़ी गाना। मठ मठ में मरू में होली तेरी मेरी बात, जो
बढ़िया मस्ती खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग अंताक्षरी भी खेले, दो टीम था भाई, मेरा टिंकू का और तेज भाई का, और एक टीम था लोकेश भाई का। ये बोले भाई मैं अकेला ही संभाल लूंगा। उसके बाद हमने वो एक पॉइंट बराबर कर दिया, इक्वल हो गया ना। चलो तो अभी वापस वापस आते खाना बनाने में, क्योंकि पेट बोल रहा है जल्दी बनाओ खाना। लेकिन जब वो हमने स्नैक्स और चाय पीना, हमें चाय और स्नैक्स से बहुत राहत मिली यार, पूरा है ना, तभी तो जाके इतना मस्ती कर पाए। होए होए होए, आग लगा दोगे पानी में? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब अभी ये जो चावल डलेगा ये पानी को थोड़ा सीजन कर देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना चावल में टेस्ट नहीं आएगा। नमक, थोड़ा चीनी, चावल को थोड़ा मिठास देगा, और खड़ा मसाला जो कि खुशबू देगा। अभी चावल दे देते हैं। एक्चुअली दिक्कत की बात है, इसमें दो टाइप के चावल है नहीं, अलग अलग टाइम में पकेंगे। चलो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ए गुंडा भाव, चलो अभी एक चीज़ तो भूल ही गया था करीब, इसके अंदर थोड़ा किशमिश डाल देते हैं, और काजू जो है चावल के अंदर डालेंगे, मजा है। तो गाइस ये जो 50% हो गया है ना चावल, इसको थोड़ा पहले वाला लेयर इसमें लगा देते हैं। इसके ऊपर अभी जो पुदीना और प्याज फ्राई किया गया था इसका थोड़ा, लास्ट लेयर जो 90% डन हो चुका है वो डाल देते हैं। गांठ इसमें लगाइए, ये फाइनल है ना, इसके हाँ। बाद इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं, और दम लगेगा, दम लगेगा। लास्ट टाइम के लिए देख लो अच्छे से हमारे बिरयानी को, पता नहीं कैसे बनेगा। इसे अब लग गया दम, दम 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 दम, वेट तो अच्छा खासा है रे भाई, बस अब लगेगा दम, अब लगेगा दम। कितना मिनट लगेगा इसमें टाइम? टाइम लगेगा अभी 30-40 मिनट के आसपास। तो कोयले रख रहे हैं अभी इसके ऊपर, ताकि दोनों तरह से इसको गर्मी मिल सके अंदर। तो चलो अभी करीब हो गए 35 के अराउंड, नहीं 35 मिनट हो गए। अभी इसको निकाल के यहाँ पे और 10 मिनट रखते हैं, उसके बाद जाकर खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम हो जाएगा, खुल जा सिम सिम, पहले इसके पहले निकल जा सिम सिम नीचे। बस होप करते हैं अच्छे से पक गया हो। अरे अरे वही हुआ भाई साहब, ये किसी ने बोला था? हाँ हाँ तेजू भाई, तेजू भाई वो खाओ उसमें से, ये काजू उठा लो तेजू भाई, अंदर ट्रैप चाहिए मुझे है? ये गैस अंदर ट्रैप चाहिए। वो बता कहाँ गया, वो फेंक दिया, एक पत्थर रख दिया नीचे, होगा क्या थोड़ा? हाँ रख दो रख दो, पत्थर रख दो। तो चलो गाइस बिरयानी बन चुकी है, मतलब कैसी बनी है वो अभी रिवील करना बाकी है, क्या लगता है भाई? बढ़िया, सही बनी है, खुशबू तो भाई इतनी जबरदस्त आई है ना, तो मुझे लगता है कि जैसी खुशबू आई है वैसी होनी चाहिए। बस मेरा एक डर है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मन नहीं है, इसीलिए तो डर है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आप अगर खराब बन गए फिर पोपट हो जाएगा। चलो देखते हैं टाइम रिवील करते हैं ना, 1 2 3 गो सिम सिम। देखो भाई एक चीज़ वहाँ पे जो गिर गए थे ना उसके लिए वो जो नज़ारे देखे, देख अगर दिख रहा है चावल कैसे ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, मतलब बढ़िया पक गए हैं। और ये हमारा गिरा हुआ बिरयानी बन गया, दिखने में उतना बढ़िया लग नहीं रहा, लगे भी बहुत है ना। चावल तो भाई बढ़िया बनी है, पूरा सॉफ्ट हरा भरा चावल बढ़िया बनी है,
कोई टेंशन है नहीं उस बात का। चलो अभी देखते ही ये नीचे से जली है कि नहीं। अब आएगी चिकन। बढ़िया बनी है, बढ़िया बनी है, टेंशन नहीं, अच्छा बना है। ओहो खुशबू खुशबू आ गई ना पूरा भाई, सबका फोकस इस तरफ ही है। तो यार भूख लगी ना यार, काफी टाइम से इतना वेट किया है। हाँ बढ़िया बनी है। अरे गिर मत। चलो नीचे जली भी नहीं है, परफेक्ट बनी है। ठीक है अभी इसको सर्व करते हैं। भी दो चार चिकन पीस रख दो है ना इस चावल में। गुड रहा पर आते हैं मैजिक है। बिरयानी बनी है, बिरयानी के साथ रायता ना हो तो मजा नहीं है। नहीं सही बात है। चलो खाना सबका परोस लिया, अभी किसी को वेट नहीं हो रहा है, इंतजार नहीं, इतना भूख लगी है भाई। खा के बताओ आप लोग, निकाल उसको जल्दी जल्दी खा के बताओ मुझे भाई। ना एक पीस, एक मिनट पहले तो लेग पीस है। ओके मैं खाऊंगा ये। अभी क्या बात है, मजा आ गया, मजा जबरदस्त। चावल एक नंबर, मतलब ना जो बनना चाहिए ना मजा आ गया भाई। ऑलमोस्ट गुड, टू गुड यार। देखते हैं हम भी खा के देखते हैं क्या भाई लोग ऐसे ही बोल रहे हैं या सही में। जैसे खाया ना 5 सेकंड के लिए मुझे कुछ निकला नहीं, सब उसी का मतलब वाइसा ले रहे थे, उसी में खो गए, उसी में खो गए। चलो सक्सेस हो गया फिर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच बिरयानी के लिए। थोड़ा नमक कम है, नमक थोड़ा चाहिए होगा। नहीं नमक चाहिए या मेरे इसके साथ खाओ, बढ़िया लगेगा सही में, मस्त है भाई। सही बनाया ना, बढ़िया एंजॉय करके खाओ, बहुत सारे हैं। दबा के खाना है, दबा के खाना है आज, बस शर्माना नहीं है। मेरी प्लेट पर राइस कम आया है। अरे अवेलेबल है राइस, मैं लूंगा कह रहा हूँ। अवेलेबल है राइस क्योंकि मेरी भूख बड़ी है। आज इतना मतलब बिरयानी बनी है ना, पूरा सबका पेट फुल हो जाएगा। हाँ लोकेश भाई के प्लेट में बाद में राइस देंगे, लेकिन भूल गए थे प्लेट भी छोटी है ना ये। खाने के बाद मजा, और बहुत दिनों बाद बिरयानी खा के बड़ा मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा, बहुत मजा। आप लोगों को सही लगा ना, क्या बात कर रहे हो यार। तो फिर सर मेरा मन को सुकून मिल गया, तेज भाई को और लोकेश भाई को बिरयानी खिला पाए, ठीक ठाक। नहीं हमने तो सिर्फ वीडियो में देखा था कि भाई हाँ लजीज बनते हुए दिख रहा है, लेकिन आज जो खाते हुए मजा आया ना भाई, सच में यार अब तो मतलब हमेशा याद रहेगा भाई, ये स्वाद ना भूल नहीं पाएंगे अब। ग्रुप कैंपिंग याद रहेगी। ये बिरयानी ने सिर्फ पेट ही नहीं छुआ, इसने दिल भी छुआ है यार। अरे भाई अरे मजा आ गया, मतलब मजा आ गया भाई बिरयानी में, बहुत जबरदस्त। लाहौर लागू। तो चलो ये बड़ा खुशी लगा कि भाई दोनों को बिरयानी बहुत ही मस्त लगा, हम लोग खा पी के बढ़िया दबा के खाए। चंदू भाई को भी अच्छी लगी। अरे हाँ चंदू भाई को भी अच्छी लगी, मतलब हम पूछ रहे थे लोकेश भाई को, चंदू भाई साइड से बोल रहे भाई गजब की बनी है। सबसे पहले चंदू भाई का ही रिएक्शन आया, हाँ भाई मजा आ गया। कोई कर रहा
तो चलो बिरयानी से भाई सबका दिल जीतने के बाद अभी यहाँ पे आग के पास बैठे हैं, थोड़ा आग वाग सेक लेते हैं, बातें बातें करते हैं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टाइम देते हैं, आधा घंटा, आधा घंटा 40 मिनट के आसपास बैठे हैं, उसके बाद जाकर आराम से सो जाएंगे। ये हमारे टेंट में कौन कौन सा रहेगा ये वाला देखते हैं, अभी देखते हैं, फिर पहले रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई, कल का वीडियो जो होने वाली है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाली, क्योंकि भाई चैलेंज बड़ा है हम लोगों को, मछली इतना पकड़े बोले कि इतना तुम लोग मछली पकड़ते हो, अभी यहाँ पे 1 किलो पकड़ना है। और मछली पकड़ना भी सिंपल नहीं है कि जाके मछली पकड़ना, वो एडवेंचर है। हाँ बस, क्योंकि छोटे मोटे पत्थर है, मतलब बहुत टाइप का एडवेंचर है, मतलब मजा आने वाला है, मजा आने वाला है बहुत, क्योंकि हम खुद एक्साइटेड है कल के वीडियो के लिए। तो आप लोग भी उसी एक्साइटमेंट के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो गाइस अभी टाइम है सोने का, यहाँ पे हम लोग अभी 300 है और एक जन आएंगे, कौन आएंगे पता नहीं, पता नहीं, या बाहर ही सोएंगे, इनकी पिंकी पोंकी करेंगे या बाहर ही सोएंगे। आज ठंड कम है नहीं, आराम से सो पाएंगे। चलो सो जाते, आप लोगों को मिलते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है तेज भाई, नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे अपने तरफ दिखाओ थोड़ा। गुड नाइट, गुड नाइट। तुम दोनों उस तरफ सो रहे हो, तुम और लोकेश बेसब्री से इंतजार है। नहीं नहीं ऐसा वैसा कैसा नहीं, चलिए सोते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई हमारा कुछ प्यारा प्यारा लव यू, हमारा वो भाई तो भाई गिटार लेके रॉकस्टार बन गए। सट्टा हक, वो देखो, दिखाओ दिखाओ, रब ने बना दी जोड़ी का शाहरुख, ये देखो गाइस रॉकस्टार रेडी है पूरा। क्या आया रात के ढाई बजे कोई गिटार बजाए, होटल भी उठा लाया रात के ढाई बजे कोई आया, कोई आया, मैं गिटार उठा के लेके आया, लेके आया और उसको झिलका टिका होटल उठा के।